2023 में जब मैंने 2 महीनों में नीट प्रिपेयर किया तो मैंने यही सोचा ऑलरेडी मेरा पैसा चला गया, मेरे साल चले गए, मेरी डिग्री चली गई, मेरी रिस्पेक्ट ऑलरेडी जा चुकी है, तो मेरे पास कुछ था नहीं लूज करने के लिए, और गेन करने के लिए सब कुछ था कि अगर मैं नीट निकाल लेता हूँ तो मैं इंडिया में MBBS कर पाऊंगा, सरकारी सीट मिल जाती तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन करने लगा तो वहाँ MD चालू हो गए। तो अब पहले जो कॉन्सेप्ट था ना मेरे पास कि मेरे पास फिलीपींस तो है ही, यहाँ इंडिया का पेपर दे देता हूँ, दोनों शिप्स एक दूसरे से दूर जा रही है, मैं बीच में खड़ा हूँ, या तो मैं इंडिया में सवार हो जाऊंगा कि भाई 2 महीने में नीट क्लियर करना ही है और कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर मैं फिलीपींस में बैठ जाऊँ नीट का छोड़ दूँ। तो फिलीपींस में बैठता अगर तो मुझे वापस जाना पड़ता फिलीपींस में, नीट नहीं दे सकता था। तो मैंने वो शिप जाने दी और अपने ऊपर फेथ रखा और 2 महीनों में नीट के लिए प्रिपेयर किया। अब यार वो होप तो आ ही जाता है ना मन में कि व्हाट इफ आप एम्स निकाल लो, व्हाट इफ कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने वो 2 महीने की प्रिपरेशन जो थी उसको डॉक्यूमेंट किया था ऐसी वीडियो फॉर्मेट में, वो मैंने रिलीज भी किया था।